BLLB फर्स्ट सेम के परीक्षा परिणाम में कई छात्रों के अंग्रेजी विषय के परीक्षा परिणामों में कई बार किए गए बदलाव, सामने आई बड़ी लापरवाही, छात्रों में दिखी काफी नाराजगी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी छात्रों के परीक्षा परिणाम के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है। कभी किसी को पूर्णांक से ज़्यादा अंक मिल जाते हैं तो कभी किसी छात्र के नंबर कम कर दिए जाते हैं, जिसके बाद छात्र अपना परीक्षा परिणाम सुधरवाने के लिए चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जिनकी वजह से ये लापरवाही होती है उन पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जिसकी वजह से कई छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है। ताज़ा मामला अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के BLLB फर्स्ट सेम के परीक्षा परिणाम को लेकर देखने में आया है, जिसमें कई छात्रों का अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम 4 बार घोषित किया गया, जिसमें कई छात्रों को एक एक नंबर से फेल कर दिया गया, जिसे छात्रों ने एक साजिश करार दिया है। छात्रों का नेट में अलग अलग नंबर दिखाया गया तो वहीं मार्कशीट में कुछ और नंबर था। छात्रों का कहना है कि साजिश के तहत उनके नंबरों के साथ खिलवाड़ किया गया है और जिसने भी ये किया है उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे आगे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि विश्वविद्यालय सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बना हुआ है, और लगातार हो रही इस तरह की लापरवाहियों पर रोक क्यों नहीं लगाता, या फिर उन्हें छात्रों के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अमला बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, जबकि विश्वविद्यालय बच्चों के लिए है, उनका भविष्य बनाने के लिए है। अब देखना है इस गंभीर मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या रुख रहता है, क्या कोई कार्यवाही होगी या फिर हर बार की तरह यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं अपने परीक्षा परिणामों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट एक बार आता है। हमारा जो रिजल्ट BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार हमारा रिजल्ट आया। उसमें बताया गया, पहला जब पहली बार आया 16 तारीख को तो उसमें कुछ नंबर और थे, फिर 18 को आया तो अलग नंबर थे, फिर 20 को, ऐसे ही हर एक डेट पे आता गया। हम ये नहीं जानते कि हमारे BLLB का ही क्यों, और कोई डिपार्टमेंट का ऐसा सुनने को नहीं मिला कि रिजल्ट 4 बार आया हो, 2 बार आया हो, 3 बार आया हो। विशेष हमको नहीं पता कि हमारे कुलपति से हमारा क्या मतलब है, हमारा BC सर से क्या मतलब है, रजिस्ट्रार सर से क्या मतलब है। लेकिन अगर देखा जाता है तो हमारा जो एक ही फोकस किया गया इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसमें 20 से 22 लड़कों को सिर्फ इंडिविजुअली एक नंबर दिया जाता है, 30 से 31 नंबर। पासिंग नंबर होता है 32 नंबर, लेकिन 20 से 22 लड़कों को 31 नंबर दे दिया जाता है। जब कॉपी एक इंसान की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो नंबर कैसे बराबर हो सकते हैं कि आप 20 से 22 लड़कों को 31 नंबर देते हो और एक नंबर से रोक देते हैं, तो आखिर ये क्या है? तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और इसका हम लोग को परिणाम आगे भी भुगतना ना पड़े कि हम बार बार हम 750 रुपये का रेवोल्यूशन फॉर्म भरें, फिर हम ATKT की एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर दें। अगर हम पास हो रहे हैं फिर कॉपी हम खुलवाते हैं तो दूसरे नंबर आते हैं। आप यहाँ मैं पाया था 31 नंबर मेरा बैग था, फिर मैंने जब कॉपी खुलवाई तो वहाँ 47 नंबर थे। तो ये जो बातें हैं कि पूरी तरह से हमारे BLLB डिपार्टमेंट को ही फोकस करके कुछ बच्चों को ऐसे फोकस किया गया जैसे उनसे कोई मतलब ही ना हो। छात्रों की परीक्षाएँ जब आरम्भ हुई तो प्रश्न पत्र 100 नंबर में आए, तो उसी समय मैंने वाइस चांसलर जी को एक पत्र लिखा था, और ये पत्र लिखा था, नहीं, उपकुल सचिव को लिखा, और ये पत्र लिखा था 21/12/2017 को कि 100 नंबर में प्रश्न पत्र आ गए। फिर जब रिजल्ट निकला तो 5 प्रश्न पत्र में आया रिजल्ट, 80 नंबर का थियरी का और 20 नंबर का सेशनल का। तो बहुत सारे लड़के परेशान हो गए कि हमने 6 पेपर की पढ़ाई किया और 5 पेपर में रिजल्ट निकल गया। फिर मैंने 25 अप्रैल को एक पत्र लिखा माननीय कुलपति जी को, और उसके बाद से कुछ सुधार उधार हुआ, और ये मुझे नहीं मालूम है कि फिर लड़कों को और कितनी बार परिवर्तित हुआ, ये नहीं जानते। लेकिन आज अभी आपने बताया कि कई बार परिवर्तित हुआ, तो अब उसको हम देखेंगे। नहीं, हुआ क्या था, सबसे पहले कि स्कीम बदल गई है, नए पाठ्यक्रम के बच्चे थे, ये पुरानी स्कीम से परीक्षा परिणाम तैयार हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जब संज्ञान में आया, बच्चों ने आवेदन दिया, तो उस समय तत्काल वो स्कीम लगा करके पुनः लगा दिया गया रिजल्ट, ठीक है ना। लेकिन फिर हुआ क्या कि पाया गया कि वो परीक्षा परिणाम जो है
जो स्कीम के तहत तब भी नहीं था, तो वो बच्चों का जो परीक्षा परिणाम जो था उसी हिसाब से सुधर गया दूसरी बार जब निकला। और मैंने RTI में कहा कॉपी देखने को, RTI में कॉपी बच्चों ने देखी, बच्चों ने RTI में कॉपी देखी तो पता लगा रहे नंबर कम थे, तो इसलिए दोबारा उनके नंबर संशोधन किए गए, उसी हिसाब से कार्रवाई। पहले ज़्यादा नंबर दे दिए कॉपी में, अलग अलग नंबर। अरे कॉप नहीं, हुआ क्या कि एग्जामिनर ने जो फाइल काउंटर फाइल में एंट्री करने में उससे गलती हो गई थी, जिसके कारण ये फिर मैंने कॉपियाँ, फिर मैंने सभी बच्चों के कॉपियों से नंबर निकलवा करके फिर मिलान करके किया।